आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। लोग आया जमींदार लोग कहा कि चाहे जमीन हमारी है, पर आप ये इतना समझ लीजिए कि ये जमीन ना तो सरकार का है और ना तो कोई जमींदार का था। ये जमीन सिंहभूमि ने जिसने सारी सृष्टि की रचना की है उसने ये धरती हमारे पुरखों को दी है। हमको नहीं करना है ये संविधान को उजाड़ने का काम, संविधान विरोधी काम सरकार यदि करना चाहेगा तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है, मैं हूं राकेश सिंह। नहीं लग सकती परासी की धरती की कीमत, खेत में उगती है सोने की फसल, हाथ पैर चलाना जानते हैं तो भूखे नहीं मर सकते, मेहनत से मुंह मोड़ा तो जंगल में जाना नियति। सरकारी मशीनरी की उदासीनता के कारण ही नक्सलियों ने बना लिया था बसेरा, अब धर्मगुरुओं की नजर। बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा स्वर्ण माइंस लेने वाले रुंगटा ग्रुप को। धरती रत्न गर्भा है, उसके अंदर वो अनमोल खजाना छिपा होता है जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। पृथ्वी के ऊपर जितने भी पदार्थ हैं उनकी कीमत तो आप लगा सकते हैं, उसका सही सही आकलन भी किया जा सकता है, लेकिन धरती की माया धरती ही जानती है। कहीं उसके अंदर सोना छिपा होता है तो कहीं हीरा, कहीं कोयला तो कहीं अबरक। पत्थरों का खजाना भी उसी के अंदर छिपा होता है जिसकी कीमत पारखी ही लगा सकते हैं। सामान्य व्यक्ति की नज़र में तो हर पत्थर पत्थर के समान होता है, लेकिन जब वही पत्थर पारखी के पास जाता है तो उसकी कीमत लग जाती है, और जब पत्थर की इज्जत करने वाला हाथ उसे मिल जाता है उसका भाग्य चमक जाता है। आप महान अभिनेता अमिताभ बच्चन से ये जान सकते हैं कि उनकी जिंदगी में पत्थर की क्या भूमिका है, यानी पारखी ही पत्थर की कीमत लगा सकते हैं। परासी की धरती भी रत्न गर्भा है, उसके अंदर कितनी मात्रा में स्वर्ण भंडार छिपा है इसका सिर्फ आकलन किया जा सकता है, उसकी संपूर्ण कीमत नहीं लगाई जा सकती। लेकिन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 25 साल की जांच पड़ताल के बाद जो आकलन किया है उसके मुताबिक यहां फिलहाल 8 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का भंडार है। ये भी अनुमान है कि यहां प्रति टन 1 या 1.5 ग्राम स्वर्ण निकलेगा। परासी की जमीन के अंदर की तो बात ही मत कीजिए, यहां खेत में भी सोने की फसल होती है। धरती इतनी उपजाऊ है कि किसानों का घर आंगन भर देती है। अगर आप हाथ पैर चलाना जानते हैं तो भूखे नहीं मर सकते, और अगर मेहनत से डर गए तो जंगल में जाना आपकी मजबूरी है। यहां हम बता दें कि परासी स्वर्ण माइंस रुंगटा के खाते में गई है, उसने 17% प्रीमियम पर बोली लगाई है। इसे आप इस तरह समझें, नए नियम में ये प्रावधान किया गया है कि कंपनी जो भी प्रोडक्शन करेगी उसका 17% राज्य सरकार को देगी। मसलन अगर 1 लाख रुपए के स्वर्ण का प्रोडक्शन हुआ तो उसका 17% राशि यानी 17,000 रुपए सरकार के खजाने में जाएगा। इस राशि का उपयोग सरकार वहां के विकास के साथ साथ झारखंड के विकास में कर सकती है। अभी तक के अनुमान के मुताबिक सरकार के खजाने में बहुत बड़ी राशि तो नहीं आने वाली, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा। जितनी बड़ी माइंस है उसके हिसाब से जो प्लांट लगेगा उसमें कम से कम 500 कर्मचारियों को 10-15 वर्ष के लिए नौकरी मिल जाएगी। उससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी, उनके जीवन में बदलाव आ सकता है। मसलन क्षेत्र में स्कूल की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, उस इलाके में बिजली की व्यवस्था और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। अमूमन ग्राम सभा की बैठक में यही डिमांड रखी जाती है। ये बुनियादी सुविधाएं हैं, इन्हें मुहैया करा देने से कंपनी को उक्त इलाके में काम करने में आसानी होगी, वरना रोज रोज की किच किच से उसका सामना होगा। आजाद सिपाही की टीम जब परासी के दौरे पर थी तो उसे तरह तरह की भ्रांतियां सुनाई पड़ी। लोगों के मन के अंदर ये बैठ गया है कि यहाँ से अरबों अरब का सोना निकलेगा। कोई कह रहा था कि सोने की ईंट निकलेगी, तो कोई कह रहा था कि सोने का बिस्किट निकलेगा। उनका कहना था कि ये जमीन उनकी है तो हिस्सा उन्हें मिलना चाहिए।
जब उनसे कहा गया कि ये जमीन तो सरकार की है और रॉयल्टी तो सरकार के खजाने में ही जाएगी, तो उनका कहना था कि सरकार के खजाने में क्यों जाएगी, सरकार क्या करती है कि सरकार को हिस्सा मिलेगा। उनका कहना था कि सरकार आए और हमसे बात करे, कंपनी वाला आए और हमसे बात करे। दरअसल उन्हें यही बताया गया है कि आप अड़े रहिए, कंपनी वाला आपके दरवाजे पर आएगा और आपको आपका हिस्सा मिलेगा। अगर आप संगठित नहीं हुए तो कंपनी सारा सोना खोद कर चली जाएगी और आप यूं ही हाथ मलते रह जाएंगे। गांव वाले एक कहानी सुनाते हैं। कहते हैं, अंग्रेजों के समय में यहाँ एक किसान खेत जोत रहा था। खेत जोतते जोतते उसे सोने की एक ईंट मिली। ये बात परासी के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। सभी इस कहानी को बड़े चाव से सुनते हैं और सुनाते हैं। उनके मन में तभी से ये धारणा बैठी हुई है कि जमीन के अंदर से सोने की ईंट निकलेगी। वर्ष 2001 में जमशेदपुर के पोटका ब्लॉक जब कुंदरू कोचा माइंस मनमोहन मिनरल्स को आवंटित हुई तो उस क्षेत्र के लोगों में ये धारणा थी कि यहाँ से सोने की ईंट निकलेगी। लोग कहानी सुनाते हैं कि जब कंपनी यहाँ एक्सप्लोरेशन कर रही थी तो सोने की ईंट निकाल कर ले गई। ये ईंट काफी संख्या में थी। यह संवाददाता भी उनकी बातों को सुनकर अवाक था कि ये क्या कह रहे हैं, जमीन के अंदर से सोने की ईंट कैसे निकलेगी। उसने एक ग्रामीण से पूछा कि आपने देखी थी सोने की ईंट को निकलते। उन्होंने कहा कि निकलते तो हमने नहीं देखी, पैक करके हमने देखी थी। सोने की ईंट को लोग लकड़ी के सांचे में पैक करके बाहर भेज देते थे। थोड़ी देर के बाद मेरा दिमाग भी चकरा गया। कभी कभी जमीन के अंदर से खड़े के अंदर सोने के सिक्के निकलने की कहानी तो हमने सुनी थी, लेकिन किलो किलो की ईंट की कहानी नहीं सुनी थी। बाद में बहुत सोचने पर यह पता चला कि जिस समय वो कंपनी यहाँ एक्सप्लोरेशन कर रही थी उस समय वो जमीन के अंदर से पत्थर का सैंपल निकालकर उसे सांचे में रखकर पैक करती थी और उसे लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेजती थी कि कितनी मात्रा में यहाँ स्वर्ण अयस्क है और उसकी क्वालिटी क्या है। लोग उसी पत्थर को सोने की ईंट समझ बैठे थे और कहते थे कि कंपनी ईंट लेकर चली जाएगी, मतलब कंपनी को अरबों अरब का फायदा होगा। आसपास के ग्रामीण ही क्यों, बिहार सरकार के बहुत सारे अधिकारियों के मन में भी उस समय ये भ्रम था कि कुंदरू कोचा से कंपनी ने सैंपल के नाम पर सोने की ईंट निकाल ली है। वर्षों तक उनकी फाइलें दबा कर रखी गई थी कि उस हिसाब से अधिकारियों को घूस की रकम दी जाए जब लीज आवंटित होगी। जब झारखंड का गठन हुआ तो बाबूलाल मरांडी की सरकार के समय मनमोहन मिनरल्स को कुंदरू कोचा माइंस आवंटित हुई। उस समय उस इलाके में नक्सलवाद भी चरम पर था। उड़ीसा से वो इलाका पहाड़ के माध्यम से जुड़ता था। खान पर हर समय हमले का खतरा था। सरकार ने वहां पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई तो जरूर, लेकिन बाद में कंपनी ने उसे इसलिए वापस कर दिया कि उसका खर्च वहन करने की स्थिति में कंपनी नहीं थी। खान आवंटन के समय कंपनी ने स्वर्ण का जो अनुमान लगाया था उसके अनुरूप वो नहीं निकला और कंपनी के खर्च बढ़ते चले गए। दरअसल अंग्रेजों ने अपने शासन काल में वहाँ के स्वर्ण अयस्क की खुदाई कर ली थी। थोड़ा बहुत एरिया बच गया था जिसमें बहुत कम मात्रा में स्वर्ण भंडार मिला। उस पर हर दिन नेताओं की अलग अलग डिमांड। नेताओं को लगता था कि यहाँ सचमुच में सोने का अकूत भंडार है। वे रोज रोज नई नई डिमांड लेकर आते थे। 2 साल कंपनी को विवाद सुलझाने में लग गए। आज भी ये स्वर्ण खदान चल रही है, लेकिन परिणाम यही है कि किसी तरह 200 मजदूर को 15 साल से नौकरी मिली हुई है। कंपनी इसे नाम के लिए चला रही है क्योंकि कंपनी की प्रतिष्ठा भी इससे जुड़ी हुई है, इसलिए चलाना मजबूरी है। आज से 6 साल पहले वहाँ ग्राम सभा की बैठक हुई थी। उसमें भाजपा और झामुमो के बहुत सारे नेता भी उपस्थित थे। वहाँ भी गांव वालों के मन में यही धारणा फैली हुई थी कि अंदर से सोने की ईंट निकलेगी। उसी हिसाब से उन्होंने जन सुविधाओं की डिमांड भी रख दी। डिमांड सुनकर कंपनी का माथा चकरा गया। जितना का बबुआ नहीं उतना का खिलौना। खैर, जब गांव वालों और नेताओं को ये बताया गया कि यहाँ सोने की ईंट नहीं बल्कि पत्थर पीस कर सोने का कण निकाला जाएगा तो वे आश्चर्य करने लगे। उन्हें बताया गया कि 1 टन पत्थर पीसने पर मुश्किल से 1.5 ग्राम सोना निकलेगा, तो ये सुनकर वो अवाक रह गए। उन्होंने कहा कि उन्हें तो ये बताया गया था कि यहाँ से ईंट निकलेगी। बाद में सच्चाई का पता चलने पर उनकी डिमांड घट गई। उन्होंने कंपनी वालों को कहा कि आप लोग फैक्ट्री लगाइए, हम लोग सहयोग करेंगे। आप लोग अपने हिसाब से जन सुविधाओं के बारे में सोचिएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य की यहाँ कमी है। कंपनी ने आश्वासन दिया कि जितना संभव हो पाएगा
वो जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने में मदद करेगी। ये सारी बातें जिक्र करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि झारखंड में कुछ ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जो नहीं चाहती कि कल कारखाने लगें। ये शक्तियां नहीं चाहती कि उन कल कारखानों से लोगों की स्थिति सुधरे। यही कारण है कि जैसे ही किसी जिले में उद्योग लगने की बात शुरू होती है, जमीन देखने की बात शुरू होती है, उस इलाके में संघर्ष समिति का गठन हो जाता है और वो संघर्ष समिति सब काम छोड़कर गांव वालों को गोलबंद करना शुरू कर देती है। इससे उन शक्तियों को कितना फायदा होता है ये तो नहीं पता, लेकिन झारखंड के लोगों का नुकसान हो रहा है ये 100% सच है। उसी शक्ति ने पहले पलामू में फील्ड फायरिंग रेंज का विरोध किया। उसी शक्ति ने नहीं चाहा था कि लातेहार के जंगल में CRPF का कैंप स्थापित हो। वही शक्ति अब गांव में घूम घूम कर ये समझा रही है कि अगर आप लोगों ने एक बार सरकारी सुविधाएं ले ली तो आप लोग सरकार के गुलाम बन जाओगे। ये शक्ति इन दिनों खूंटी, तमाड़, सिमडेगा, गुमला, चाईबासा और दुमका के कुछ इलाकों में ज्यादा सक्रिय हुई है। वो लोगों को बिजली का कनेक्शन लेने से मना कर रही है, वो सड़क बनवाने का विरोध कर रही है, वो गांव में सरकार की मदद से शौचालय नहीं बनने दे रही है, वो बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगा रही है। इन दिनों ये बड़े पैमाने पर हो रहा है। अगर सरकार ने नहीं चेता, राजनीतिक दलों ने बुद्धिमानी से काम नहीं लिया तो यहाँ के लोगों का अहित तय है, समाज में टूट का खतरा है। भले ही वोट की राजनीति के तहत कुछ दल इसे नजरअंदाज कर दें, उन्हें ये सब अच्छा लगे, लेकिन सच में ये आने वाली पीढ़ी के लिए खतरे की घंटी है। हमें धैर्य और बुद्धिमता के साथ ये सोचने की आवश्यकता है कि हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा समाज रख कर जाना चाहते हैं। वो समाज जहाँ घृणा हो, जहाँ एक दूसरे के धर्म का आदर ना हो, जहाँ लोग एक साथ ना रह सके, या वैसा समाज बनाने की जरूरत है जो समता मूलक समाज हो, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम का भाव हो। सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि सरकार इस पर ध्यान दे, सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करें, वरना झारखंड का नुकसान होगा। आगे हम बताएंगे झारखंड के जिन इलाकों में अनमोल रत्न, वहीं आखिर सबसे ज्यादा गरीबी क्यों, नक्सलियों ने अपने गढ़ के रूप में उन्हीं इलाकों को क्यों चुना। वो चाहे पोटका का कुंदरू कोचा हो, या चाईबासा का परेडीहा, या फिर तमाड़ का परासी, यही नहीं लोहरदगा की बगड़ू माइंस और चाईबासा की आयरन ओर, इन खदानों के आसपास गरीबी का बसेरा और ये इलाके नक्सलियों के निशाने पर हैं। साथ में विशेष संवाददाता राहुल सिंह और स्वरूप भट्टाचार्य। आज की खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में एक बेल आइकन होगा जिसे आप प्रेस करेंगे तो जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं उसकी सूचना आप तक पहुंचेगी। जुड़े रहिए आजाद सिपाही से। धन्यवाद।